सो गाइस नमस्कार, मैं हूं आशीष। सो गाइस, हमारा भारत के तरफ से एक स्मार्ट टॉर्पीडो को टेस्ट किया गया है। अब तो सब लोगों को तो पता है कि टॉर्पीडो पिछली हम शिप को सबमरीन जो हंटर के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जो टॉर्पीडो ये एक स्मार्ट टाइप का होता है। ये सुपरसोनिक मिजाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, मतलब मिजाइल के सामने ये टॉर्पीडो को अंदर रहता है और ये टॉर्पीडो को मिजाइल लेकर जाता है, जो कि हाइपरसोनिक से थोड़ा पीछे सुपरसोनिक स्पीड में लेकर जाता है, मतलब मैक 1 से ज़्यादा, जो कि 1200 से 1500 किलोमीटर आसपास के होंगे। इसलिए हमारा DRDO के तरफ से एक न्यू वेपन सिस्टम को डेवलप किया गया है। इसका फायर टेस्ट 5 से 2020 3:56 पर उड़ीसा के कोस्ट पर किया गया था और ये स्मार्ट टॉर्पीडो 600 किलोमीटर तक मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि टॉर्पीडो ऐसे में 40 या 50 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी सुपरसोनिक की स्पीड में 600 किलोमीटर टारगेट करेगा। ऐसा ही अपडेट रोज ही देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ये प्रोसेस में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। सो गाइस, स्पेशली ये स्मार्ट टॉर्पीडो को हमारा इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ही इस्तेमाल करेगा, मतलब ये मिसाइल भी देश का कोई भी शिप सबमरीन हो उसे समंदर में टारगेट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है, फिर 600 किलोमीटर दूर तक मार सकता है और फिर सुपरसोनिक स्पीड में। ये टॉर्पीडो कैसे काम करता है मिसाइल के साथ और कैसे दुश्मनों का सबमरीन और शिप को टारगेट करता है, तो फ्रेंड ये मिसाइल जिसके आगे टॉर्पीडो लगा होता है, ये मिसाइल इस टॉर्पीडो को टारगेट के पास लेकर पहुंचता है और फिर शुरू होता है स्मार्ट सुपरसोनिक का काम, मतलब ये टॉर्पीडो को पानी के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। साधारण तौर पर टॉर्पीडो का रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक होता है, लेकिन हमारा DRDO यहाँ पे जो मैकेनिज्म और मिसाइल टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ये टॉर्पीडो पे इस्तेमाल किया है, जिसके कारण ये टॉर्पीडो का रेंज 600 किलोमीटर तक होता है। ये पूरी प्रोसेस को हमारा DRDO के तरफ से सक्सेसफुली फायर टेस्ट किया गया है। ये टेस्ट को बिल्कुल यूनिक टाइप पे अंजाम दिया गया, क्योंकि ये मिसाइल फुल अपना रेंज और अल्टीट्यूड को कंट्रोल किया। इसके बाद ये मिसाइल सक्सेसफुली अपने नोज कोन को रिलीज किया और ये काम करने के बाद ये मिसाइल के अंदर से टॉर्पीडो निकल के बाहर आया और वेलोसिटी रेडिएशन मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये टॉर्पीडो का स्पीड को लोअर किया गया, जिसके बाद ये टॉर्पीडो को वाटर या समुद्र के अंदर डिप्लॉय किया गया। ये पूरा प्रोसेस को नजर रखने के लिए हमारा भारत की तरफ से रेडियो टेलीमेट्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के मदद से ट्रैक किया गया। जब ये टॉर्पीडो टारगेट के पास पहुंचा, तब इसे शिप में जो ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है उसके मदद से इसे ट्रैक किया गया। ये अचीवमेंट एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारा भारत के लिए। हम यहाँ जानकर के लिए बता दें कि ये एक सबसे बड़ा बात होता है, क्योंकि अभी तक पूरा दुनिया में इसी टाइप का जो मिसाइल है, जो टॉर्पीडो है, उसका रेंज थोड़ा कम होता है, मतलब 600 किलोमीटर नहीं होता है, इसका रेंज 200 से 300 किलोमीटर या उससे कम होता है। लेकिन हमारा भारत यहाँ पे जो अचीवमेंट किया है हमारा DRDO ने, पूरा वाट लगा दिया है दुनिया को, जो कि 600 किलोमीटर टारगेट कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी में सबसे बढ़िया बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी सुपरसोनिक स्पीड में मार करता है, जिस वजह से कोई भी दुश्मनों का ट्रैकिंग सिस्टम इतने जल्दी इसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं और नीचे भी गिरा नहीं सकते हैं। तो पूरा दुनिया में इतना हाई स्पीड और लंबी दूरी वाला टॉर्पीडो किसी देश का पास अभी तक मौजूद नहीं है। और ये बात काल से सुन के चाइना को पूरा वाट लग गया है और जिनपिंग ये सोच रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियर सबमरीन और हमारा जितने भी शिप होते हैं वो कैसे सी में इंडिया को टारगेट करेंगे। सो गाइस, आशा करता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का अचीवमेंट सुन के आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो हमारा चैनल को एक बड़ा थम्सअप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।